गैस मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू एक नया काम बताने वाला हूं। अगर आप लोग इस काम पे आते हो तो आपको बहुत ही अच्छी सैलरी होगी, यहां तक कि आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप लोग इस इंडिया में थोड़ा मेहनत करते हो इस काम पे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल। गाइस मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू ये दिखाने वाला हूँ कि अगर गाइस यहाँ पे आते हो आप लोग ऑटो इलेक्ट्रीशियन कार मैकेनिक जो होते हैं जिसे यहाँ कोच में अगर आप लोग इस काम पे आते हो तो आपको बहुत ही अच्छी सैलरी होने वाली है। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं इसी तरह की जो कंटेंट होता है मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। गाइस अगर आप लोग इस काम पे आते हो जैसे यहाँ पे कोच में गाड़ी वगैरह गैरेज होती है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सैलरी होती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होती है। जैसे गाइस यहाँ गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और क्योंकि जब गाड़ी खराब होती है तो गर्मी में काम करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे और भाई लोग कैसे कैसे वहाँ पे काम करते हैं और गर्मी में धूप के सामने काम करते हैं। और बहरहाल सैलरी बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप लोग इस काम पे आओगे तो पैसा तो कमा लोगे लेकिन आप लोग परेशान भी हो सकते हो, लेकिन अगर आप लोग की हैबिट हो जाएगी तो काम करते करते कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने भी नए लोग भाई लोग यहाँ पे कुवैत में आना चाहते हैं या किसी भी ऐसे कंट्री जाना चाहते हैं जहाँ पे गल्फ कंट्री है, सऊदी हो गया, कतर हो गया या किसी भी कंट्री ऐसी जैसे मस्कत हो गया, वहाँ पे गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ती है और अभी यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, 50 डिग्री सेल्सियस करीब यहाँ पे है। गाइस ये है पूरा गैरेज का एरिया। अगर आप लोग आते हो ऑटो इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक, अगर आपको गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, जो गाड़ी का वायर वगैरह होता है जैसे बैटरी वगैरह के बारे में जानकारी हो गई, तो मैंने एक बंदे से इन्फॉर्मेशन निकाली थी तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ। और कुछ भाई लोग कमेंट करे थे भाई एक वीडियो बनाइए ऑटो इलेक्ट्रीशियन कार के बारे में। तो यहाँ पे पूरा गाड़ी का काम होता है, अगर आप लोग यहाँ पे काम करने के लिए आओगे तो आपको पूरा यहाँ पे काम मिल सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे लोग काम करते हैं ऑटो इलेक्ट्रीशियन कार मैकेनिक जो होते हैं बहुत ही अच्छी सैलरी यहाँ पे पाते हैं। जस्ट ही अभी एक साल पहले मेरे रूम में, ये मेरा रूम है देख सकते हो, ये मेरा रूम है जहाँ पे मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ, वो भाई मेरे रूम में आया, यहाँ बगल में खड़ा हुआ था, वो बोला कि मुझे मिलना है आपसे। और पहले मैं उससे मिला था कि मेरा रूम यहाँ पे है, तो आया बोला कि भाई मुझे कार्टून चाहिए, उनसे इंडिया जाना है। और मैंने पूछा कि आप क्या काम करते हो यहाँ पे ऑटो इलेक्ट्रीशियन का काम, बोला कि मैं गैरेज में, यहाँ मेरा गैरेज है ये बगल में ही, जो कि मेरे छत के ये बगल में मेरा गैरेज है तो वहाँ पे मैं काम करता हूँ। और मैंने उससे पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है, बोला कि भाई 230 दिनार मेरी सैलरी है और खाने का पैसा अलग देता है। और जो उसका रूम होता है वो छत पे होता है, जैसे नीचे काम होता है और छत पे उसका रूम है, यानी कि बेसमेंट में उसका काम चलता है, जॉब वगैरह है, और साथ में उसका जो रूफ वगैरह है, छत है, वहां पे वो लोग सोते हैं। कम से कम 20 से 30 लोग काम करते हैं उस गैरेज में। अगर आप लोग कोच में आना चाहते हो इस काम पे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के थ्रू दिखाया कि यहाँ पे गर्मी में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, भाई बहुत से ऐसे लोग आते हैं नए वीजा पे और सोचते हैं कि जल्दी हम चलते हैं गैरेज वगैरह में काम करते हैं और बहुत ही पैसा कमाते हैं। अगर आप लोग इंडिया में धूप वगैरह में काम कर चुके हो और जैसे कि बम्बई वगैरह, दिल्ली हो गया, लखनऊ वगैरह में अगर आप लोग बड़ी बड़ी ऑटो इलेक्ट्रीशियन जो कार वगैरह के मैकेनिक होते हैं जैसे वहां पे जो गैरेज होती है, अगर आप लोग वहां पे काम कर चुके हो तो आप लोग की यहाँ पे लाइफ अच्छी होने वाली है। अगर आप लोग नए नए सोचते हो कि चलते हैं कुवैत में गैरेज में काम करते हैं तो प्लीज आप लोग मत आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत होती है और आप लोग काम नहीं कर पाओगे। आज के 2 दिन पहले मेरा एक दोस्त था, उसकी गाड़ी में जो शीशा होता है स्टीयरिंग के ऊपर जो कि पीछे देखने के लिए होता है, वो उसका शीशा जो है निकल गया था। तो बस मैं वहां पे गया था गैरेज में तो देखा कि इतना छोटी से काम के लिए इतना पैसा, तो जान सकते हो अगर आप लोग यहाँ पे आते हो हुनर का काम सीख कर ऑटो इलेक्ट्रीशियन के बारे में, यानी कि इन्फॉर्मेशन आपको है यहाँ पे कार मैकेनिक के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छा पैसा कमाने वाले हो। और जान सकते हो दो दिनार ले लिया था 5 मिनट के अंदर में, जो कि 5 मिनट के अंदर में 2 दिनार, बस उसको कांच को ऐसे लगाया, थोड़ा सेटिंग किया, स्क्रू ड्राइवर से सेटिंग किया, बाद में 2 दिनार ले लिया। बोला कि भाई कितना हुआ, बोला 3 दिनार। तो हम लोग बोला कि भाई हम लोग यहाँ पे इंडिया के रहने वाले हैं, काम करते हैं, ना कि हम लोग कोई यानी कि पैसा वाले हैं, कोई थी वगैरह तो है नहीं है। तो हम लोग ने उनको 2 दिनार दिया, मान गया भाई, हम लोग बोले कि यहाँ पे हम लोग जॉब करते हैं, हम लोग की सैलरी बहुत ही कम है, तो बहरहाल उनको कैसे भी मना के 2 दिनार दे दिया। और हमारे इंडिया के लोग बहुत ही ज्यादा काम करते हैं यहाँ पे सर्क वगैरह में, यहाँ गैरेज चलता है, यहाँ एक एरिया है सर्क, कोयत सर्क लिखोगे अगर आप लोग यूट्यूब में तो हो सकता है आपको वीडियो देखने को मिले, कोयत सर्क है, यहाँ पे सोएक भी है, तो सोएक में भी यहाँ पे गैरेज है बहुत ही ज्यादा। अगर आप लोग इस काम में आना चाहते हो तो कोयत में सोएक में जरूर आना, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियां बहुत ज्यादा, यानी कि पूरा ह्यूज है, बड़ी सी कंपनी है, जैसे हमारे इंडिया बोलते हैं ह्यूज कंपनी जो कि यहाँ सोएक में है, सोएक में जो कि कुवैत का एक ऐसा एरिया है जो कि पूरे कुवैत की गाड़ियां यहाँ पे बनने के लिए आती हैं, और यहाँ पे मैकेनिक की यानी कि हरदम जरूरत होती है। अगर आप लोग किसी भी गैरेज में चले जाओ, बोलो कि मुझे ये, मेरे पास एक आदमी है जो कि ये मैकेनिक वगैरह बहुत ही अच्छा है, तो पक्का आपको रख लेंगे और सैलरी कितने देंगे, 300 KD से ऊपर दे सकते हैं अगर आप अच्छे मैकेनिक हो तो। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है
आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए भाई हमें ये डाउट है हमको। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे, तो अभी यहाँ पे हो चुका है 8 सुबह के, तो ड्यूटी मेरी रहती 8 बजे, लेकिन आज मैं थोड़ा लेट सोके उठा था क्योंकि मेरी जो कंपनी में थोड़ा काम ज्यादा था, तो जिसकी वजह से आज मैं थोड़ा लेट उठा हूँ। तो बस मेरे पास एक टॉपिक था तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दूं। तो एक भाई है जिनका नाम विजय करके है, वो बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे कि भाई एक वीडियो बनाइए, तो यहाँ पे मैंने एक बंदे से इन्फॉर्मेशन लिया जो कि इन्फॉर्मेशन मुझे सही बताई। तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ऑटो इलेक्ट्रीशियन क्या होता है, वो बोला कि मैंने पूछा कि भाई ये क्या होता है, एक बंदा है जो कि कमेंट कर रहा है, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे गाड़ी में जो कि वायर वगैरह होता है पूरा, तो उसको सेटिंग वगैरह करते हैं कार मैकेनिक जो कि होते हैं ऑटो इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पे काम अलग अलग होता है, अगर आपको गाड़ी पेंटिंग करानी हो तो काम अलग, आपको दूसरे गैरेज में जाना पड़ेगा। अगर आपको कार मैकेनिक जो कि ऑटो इलेक्ट्रीशियन जो भाई ने पूछा था, आपको दूसरे गैरेज में जाना पड़ेगा, ये नहीं कि आप लोग एक ही गैरेज में घुस गए तो आपको पूरी गाड़ी बन जाएगी, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे गैरेज बहुत ही बड़ा है तब आपकी गाड़ी पूरी अच्छे से रिपेयर हो सकती है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को यही पेंट करते हैं, तो मैं उस भाई को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि भाई ने एक अच्छा कमेंट किया था और मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी उसके बारे में, तो मैंने आज इन्फॉर्मेशन लेकर एक वीडियो बनाई, तो भाई को मैं शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तक के लिए बाय।